इंदिरा गांधी के निधन के बाद भारतीय राजनीति में एक सितारा तेजी के साथ चमका, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बादलों में घिर गया। उस सितारे का नाम था राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले शख्स बने। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी का महज 47 साल की जिंदगी का सफर रहा, लेकिन उनका राजनीतिक सफर 10 साल का था, जिसमें 5 साल तो वो देश के प्रधानमंत्री ही रहे। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की सियासत में आने की कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे और उसी में खुश भी थे। लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। वहीं साल 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की हवाई हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इंदिरा का सहयोग देने के लिए उन्होंने राजनीति में एंट्री की। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 21वीं सदी का सपना देश के सामने रखा था। टेलीकॉम और आईटी क्रांति की शुरुआत उनके जमाने में ही हुई।